शबीर कबीर का एक पद और उस पर कुछ विचार। शबीर कबीर कहते हैं, साहब तेरा भेद न जाने कोए, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए, यागढ़ भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करते हैं दुखिया दिन भर रोए, यागढ़ भीतर अगेन जरत हुए धुआं न परगट होए, की दिल जाने आपन भाई कैसीर बीते होए, जड़ बिन बेल बेल बिन तुम्बा बिन फूले फल होए, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए, साहब तेरा भेद न जाने कोए। कबीर साहब कहते हैं कि हे साहब, हे परम तत्, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं है। साहब ने और भी कहा है, साहेब साहेब सब कहें मुंह ही अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। सभी लोग साहेब साहेब करते हैं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा राम रहीम खुदा गाड अपने अपने ढंग से परम तत्व का नाम रखकर लोग पुकार रहे हैं, और पुकार ही नहीं रहे हैं उसे खोज भी रहे हैं, निरंतर उसकी तलाश में लोग लगे हुए हैं, परंतु वह परम तत्व मिल नहीं पाता है। वह परम तत्व तो है क्या जिसे हम साहब कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, राम कहते हैं, खुदा गाड कहते हैं, वो है क्या? इस भेद को समझने वाले लोग बिरले बिरले होते हैं। अधिकतम लोग तो सुन लिए हैं पूर्वजों से, महात्माओं से, संतों से, पंडितों से, और सुन करके पुकारते जा रहे हैं। उस पुकार का क्या मतलब होता है, उसकी सार्थकता, उसकी चरितार्थता किसमें होगी, कुछ पता ही नहीं है। बस दौड़े जा रहे हैं लोग। कोई आदमी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा हो, उससे आप रोकें और पूछें कि भाई इतनी तेजी से कहाँ दौड़ते जा रहे हो, तो वह कहे कि मैं दौड़ तो रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं है कहाँ जाना है। तो आप उसे क्या कहेंगे? कहेंगे कि पागल है, दौड़ता जा रहा है कहां जाना यही मालूम नहीं है, दौड़ने का अर्थ क्या? हम सब की दशा ऐसी है, हम सब भी दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? परमात्मा पाने के लिए। परमात्मा है कैसा, उसका स्वरूप क्या है, क्या हमें मालूम है? और स्वरूप के बारे में मालूम ही नहीं है तो वो मिलेगा कैसे? मिल भी जाए तो पहचान कैसे होगी? जो हम कहते हैं वो अमुक रूप वाला है, वह रूप तो हमारा गढ़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया में सभी लोग यही कहते हैं कि परमात्मा तो एक है। तो परमात्मा एक है तो उसके फिर स्वरूप भी एक ही जैसा होगा। इसी पर साहब ने ही कहा है बीजक में जगह, दर की बात कहो दर बेसा, बादशाह है कौने भेसा, कहा कुछ कह करे मुकामा, मैं तो पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन श्रुत को करो सलामा, ऐ दरवेश ऐ फकीरों ऐ महात्मा, दर की बात कहो। जिस ईश्वर को आप पुकार रहे हैं, जिस बादशाह को, जिस परमात्मा को, अल्लाह को पुकार रहे हैं, उसके जगह की बात बताओ कि वह किस जगह निवास करता है, उसका वेश क्या है, ताकि हमें भी उसके बारे में पता चल जाए तो हम भी वहां जाएं और उसको चेहरे को देखकर, उसके वेशभूषा को देखकर उसकी पहचान सकें। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा, कहां कुछ कहां करे मुकामा। यदि यह कहो कि वह परमात्मा, वह खुदा एक जगह निवास नहीं करता, तो साहब कहते कहां से चलता है और कहां की यात्रा करता है, ये बता दो, उसी यात्रा के दौरान हम मिल लेंगे। मैं तो पूछ रहा हूं मुसलमान, ऐ मुसलमानों मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिसको तुम लोग रोज पुकार रहे हो उसे, उसके बारे में मुझे बताओ कि किस जगह निवास करता है। यदि एक जगह निवास नहीं करता तो कहां से कहां की यात्रा करता है, ये बता दो। लाल जर्द की नाना बाना, कौन स्रोत को करे सलामा, वह लाल पोशाक पहनता है कि पीला पोशाक पहनता है कि अनेक प्रकार के पोशाक पहनता है, वह किस स्वांग में रहता है, यही बता दो, ताकि देखते ही पहचान में आ जाए। तो जितने भी रूप गढ़े गए हैं वो तो हमारे गढ़े गए हैं, हमारी कल्पना है,
और उसी कल्पना को सत्य मानकर हम पकड़ करके बैठ गए और मान लिए कि नहीं, ईश्वर का इतना ही स्वरूप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसी बाहरी गढ़े हुए स्वरूप को लेकर हमने जो कल्पना से उसका जो रूप निर्धारण किया उसको लेकर हम आपस में झगड़ते हैं। ईश्वर का भक्त झगड़ा करे, इससे बड़ी नादानी और क्या होगी। जिस ईश्वर को दयालु कहा जाता है, करुणानिधान कहा जाता है, दया सागर कहा जाता है, रहमाने रहीम कहा जाता है, निहायत रहम रहम वाला कहा जाता है, उस ईश्वर के नाम पर ईश्वर के भक्त आपस में लड़े, समझ में नहीं आता है। और लड़ाई क्यों होती है, ईश्वर के लिए लेकर हो रही है या अपनी शब्दावलियों को लेकर हो रही है। जो सच्चे ईश्वर को समझ लेगा, जो सचमुच में ईश्वर का सच्चा भक्त होगा, वह लड़ेगा क्यों। उसका दिल तो दया से परिपूर्ण होगा, करुणा से परिपूर्ण होगा, क्षमा से परिपूर्ण होगा। जहां दया क्षमा है वहां लड़ाई की बात कहां, वहां तो प्रेम होगा, दूसरे के लिए सहिष्णुता होगी, क्षमा होगी, समता भाव होगा। लेकिन हम ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, वस्तुतः ईश्वर के नाम पर लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है अपनी शब्दावलियों को लेकर कि जैसा हमने मान रखा है तुम भी वैसा ही मानो। और मान्यताओं में अंतर होता है, मान्यताएं एक जैसी नहीं होती किसी की, मेरी मान्यता दूसरी, आत्मान्यता दूसरी, किसी की तीसरी। इसीलिए कहते हैं कि साहब तेरा भेद न जाने को है, ऐसा हब ये परम तत्व, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं, इसलिए लोग दर दर भटक रहे हैं। भेद जान जाए तो भटकना बंद हो जाए। आदमी यदि अपने दिल की आवाज को सुन सके, दिल में निवास करने वाला जो दिलकश है उस तत्व को समझ सके तो भटकना बंद। साहब कहते हैं परमात्मा साहब बाहर नहीं है, अंतर में विराजमान है, अंदर झांको, उसको समझो। पानी ले ले, साबुन ले ले, मलमल का याद होए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। साहब कहते हैं लोग पानी साबुन लेकर मलमल करके काया को रगड़ते रहते हैं, लेकिन इस काया को रगड़ने से भीतर अंतःकरण में जमे हुए मैल दूर नहीं हो सकते, अंतःकरण साफ नहीं हो सकता, मन साफ नहीं हो सकता। और जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक शांति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख नहीं मिल सकता। दुखी क्यों है आदमी, क्योंकि मन में मैल भरा हुआ है, मन में दाग लगे हुए हैं। धोते ही शरीर को और मन को गंदा करते चले जा रहे हैं। जिस समय आप शरीर को धोते हैं, जिस समय आप नहाते हैं, जरा उस समय अपने मन को देखें कि मन को मैं साफ, मन को भी साफ कर रहा हूं या मन में मैल जमा कर रहा हूं। नहा भी रहे हैं और किसी के लिए ईर्ष्या चल रही है, किसी के लिए कुढ़न हो रही है, किसी के लिए कैसे अहित किया जाए यह विचार चल रहा है। शरीर को धोया जा रहा है और मन को गंदा किया जा, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, शांति कहां से आएगी। तो साहब कहते हैं ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, ठीक है शरीर को भी धोएं, लेकिन शरीर से ज्यादा आवश्यक है मन को धोना। और जब मन धो लेगा तो यही सच्ची भक्ति होगी, यही पूजा होगी, यही आराधना होगी। सारी उपासनाओं का फल क्या है, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता। और निर्मल मन में ही परमात्म तत्व की अनुभूति होगी, निर्मल मन में ही आत्म साक्षात्कार होगा। गंदे मन में आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, गंदा मन तो शैतान का घर कहा जाता है, गंदे मन में शैतान का वास होगा। रोज हम पार रहे हैं शैतान को, पुकार रहे हैं भगवान को, हमारी दशा यही है। तो शैतान को जब पाले हुए हैं तो भगवान मिलेगा कैसे, आवश्यकता है। अंदर बैठे हुए जो शैतान है, शैतान कौन,
ये हमारा अहंकार शैतान है, हमारे जो विकार है यही शैतान है हमारे लिए। कहा जाता है शैतान का काम भटकाना है लोगों को, तो कौन भटकाता, कौन भारी शैतान है, कहे कहीं बाहर शैतान, ऐसा शैतान बाहर कहीं नहीं है, हमारा अंतःकरण में बैठा शैतान है, वह है हमारा मन। कौन मन? गंदा मन। हमारा गंदा मन हमारे लिए शैतान बन जाता है, और वही हमारा निर्मल मन हमारे लिए भगवान बन जाता है। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को। इस पद में कहा गया है तिलक लगाकर अपने उर में पाला है शैतान को, लगाए हैं तिलक और पाल रहे हैं शैतान को, और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इसीलिए तो जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव तब होगा जब अंदर में जो शैतान पाल रखे हैं उसको निकाल बाहर करें। उसके लिए एक ही कारण है, एक ही रास्ता है, मन को धोना। और मन को धोने के लिए चाहिए ज्ञान का साबुन, निर्णय वाणी। ज्ञान का साबुन लय नहीं धोयो, सत्संगत का पानी। कभी साहब ने भजन में गाया है ना कि ज्ञान का साबुन लय नहीं धोयो, सत्संगत का पानी। सत्संग से निर्मल वाणी रूपी पानी लेकर ज्ञान का साबुन कभी मन में लगाए ही नहीं, इसलिए मन कभी निर्मल नहीं हुआ। तो साहब कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हुई। आवश्यकता है अंतर घट के दाग को छुड़ाने की। हम लोग जो कुछ सत्संग सुन रहे हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस सब की एक ही बात के लिए है, अपने जीवन का सुधार। जीवन के सुख का सुधार शुरू कहां से होता है? मन के सुधार से। जिसका मन सुधर गया उसकी वाणी सुधर गई, उसके कर्म सुधर गए। मन सुधार लेने पर वाणी और कर्मों का सुधार नहीं करना होगा अलग से। और वाणी को सुधार करने के लिए कितनी भी मेहनत करें, कर्मों को सुधार करने के लिए कितनी भी मेहनत करें और मन गंदा है तो कुछ फल होने वाला नहीं है। एक मन सुधर जाए तो पूरा जीवन सुधर सकता है। यागट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हुई, सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिन भर रोए। साहब कहते हैं इस घट के भीतर दो बैल बंधे हुए हैं, उससे निर्मल खेती हो रही है। वह बैल कौन? वह बैल है विवेक और विचार। उस बैल को आप ज्ञान और वैराग्य भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, साहब कोई नाम नहीं लेते हैं। विवेक और विचार द्वारा या ज्ञान या वैराग्य द्वारा ही आध्यात्मिक की खेती होती है। एक खेती आदमी बाहर करता है, उससे जीवन निर्वाह होता है। लेकिन जीवन निर्वाह मात्र से ही सब कुछ नहीं है। आदमी दुखी इसलिए नहीं है किसके पास निर्वाह की वस्तुओं की कमी है, दुखी इसलिए है कि भीतर पवित्रता नहीं है, आध्यात्मिक साधना नहीं हो रही है। निर्वाह की वस्तुएं तो सबके पास कम बेश है, किसी प्रकार पेट भर जा रहा है आदमी का, लेकिन दुख कहां विदा हो रहा है? दुख तो तब विदा होगा, दुख तो तब दूर होगा जब विवेक और विचार का उदय होगा। इससे ही आध्यात्मिक साधना की तरफ प्रगति होगी। विवेक नहीं है, विचार नहीं है तो आध्यात्मिक साधना में प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। तो साहब कहते हैं कि यागर भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हुई। इस शरीर के अंदर विवेक और विचार रूपी दो बैल बंधे हुए हैं। विवेक क्या है? दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग समझना और अलग अलग समझ करके अलग अलग ही रखना। जैसे चावल और कंकड़ दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब हम देखे चावल, हमारे सामने चावल आया, देखा हमने कंकड़ मिला है, हमने कहा यार इसमें तो कंकड़ मिला हुआ है। तो ये समझना विवेक का एक अंश तो है, लेकिन देख करके भी हमने चावल और कंकड़ अलग अलग नहीं किया और ऐसे ही डाल दिए हंडी में और पका लिए भात, तो क्या होगा? खाते समय तो परेशानी होगी। देख करके जानना और जान करके उसके अलग अलग कर देना, कंकड़ त्याग करके चावल ले लेना, यह विवेक का काम है।
विचार अपने जीवन का निरीक्षण करना कि कितने दोष घटे हैं, कितने बाकी हैं, दोष नहीं घट रहे हैं तो किस कारण से नहीं घट रहे हैं, सद्गुण नहीं बढ़ रहे हैं तो किस कारण से नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा है कौन, क्या जिन्हें मैं अपना मानता हूं वो मेरे हैं, मैं किसका हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा कर्तव्य है, कहां मुझे जाना है, इन सारी बातों पर सोचना यह विचार है। तो विवेक और विचार द्वारा ही आध्यात्मिकता की खेती सही ढंग से संपन्न होती है। सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिन भर रोई, और जिसके जीवन में आध्यात्मिकता की खेती है वह सुखी होगा। जिसके जीवन में विवेक और विचार है वह आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता, और दुखी यदि है तो भी विवेक और विचार में कमी है। जितने विवेक विचार में कमी होगी उतना हम दुखी होंगे, और विवेक विचार जितना पुष्ट होता है होते जाएंगे उतना दुख दूर होता जाएगा। तो सुखिया बैठे भजन करते हैं, विवेक विचार संपन्न आदमी बैठ करके भजन करता है, दुखिया दिन भर रोई, लेकिन राग और द्वेष में लिप्त हुआ आदमी तो दुख से जिंदगी भर रोता रहता है। विवेक नहीं होगा, विचार नहीं होगा तो आदमी राग में लिप्त होगा, द्वेष में लिप्त होगा, मोह में लिप्त होगा, बैर में लिप्त होगा। मोह दुखदाई है, बैर दुखदाई है, राग और द्वेष, राग दुखदाई है तो द्वेष भी दुखदाई है। जहां विवेक विचार नहीं होगा वहां राग द्वेष आना ही आना है, कहीं भी हो, आप घर में रहें, आश्रम में रहें, मठ में रहें, बाहर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और विवेक विचार है जीवन में, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। तो साहब कहते हैं सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिन भर रोई। विवेक विचार से संपन्न आदमी जिसके जीवन में आध्यात्मिकता की साधना हो रही है, आध्यात्मिकता बढ़ रही है, वह सुखपूर्वक बैठ करके भजन करता है। लेकिन विवेक विचार से हीन आदमी राग द्वेष से आवृत होकर, राग द्वेष में लिपट करके जिंदगी भर दुख से रोता रहता है, व्याकुल होता रहता है। याघट भीतर अग्नि रत है, धुआं न प्रगट होई, कैदे जाने आपन भाई कैसी बीते हुई। साहब कहते शरीर के भीतर आग लगी हुई है, लेकिन यह ऐसी आग है जिसमें धुआं प्रगट नहीं होता है। इस आग को जानता कौन है, जो इस आग में अभी जल रहा है वह जानता है, या पहले जो जल चुका है वह जानता है। वो कौन सी आग है, याघट भीतर अग्नि जरत है, वो कौन सी आग है, वह है ज्ञान की आग। हमारा जो अंतरात्मा, हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा जो स्वरूप है चेतन जीव, वो ज्ञान स्वरूप है। निरंतर वहां से ज्ञान निकलता रहता है, लेकिन हम उसकी अवहेलना कर देते हैं, इसलिए वो आवाज दब जाती है। जब संत मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं, सदग्रंथ मिलते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, तो संतों की संगत से, उनसे प्रेरणा पाकर भीतर ज्ञान की आग प्रज्वलित होती है। लेकिन इस ज्ञान की आग में धुआं नहीं होता है। बाहर कहीं भी आप आग लगाएं, धुआं प्रकट होगा, वहां धुआं होगी ही, धुआं होगा ही होगा। साहब ने और भी कहा है, आग लाग समुद्र में धुआं न प्रकट होए। साहब समुद्र में आग लगी है, उसमें धुआं प्रकट नहीं हो रहा है। समुद्र में आग कैसे लगेगी, समुद्र है अंतःकरण, अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी है, उसमें धुआं नहीं, कोई बाहरी पहचान नहीं है। किसी को देख करके आप नहीं पहचान सकेंगे कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है, किसके भीतर में कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, उसे देखकर कैसे जानेंगे आप। जानने का कोई माध्यम नहीं है, जो उस रास्ते से गुजरता है वही जानता है। साहब ने भी कहा है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बुझे, पानी में पावक बरे अंधे आंखें न सूझे। साहब ने कहा है कि पानी में पावक बरे, पानी में आग जल रही है, लेकिन अंधों को आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या आंख वालों को दिखाई पड़ता है पानी में आग जलते हुए। पानी में पावक बरे साहब कहते पानी में आग जलती है, पानी कौन और आग कौन। पानी
शीतल होता है और आग गर्म होती है। हमारी अंतरात्मा, हमारी जो अंतः चेतना है, हमारा जो चेतन स्वरूप ये जीव है, वह स्वाभाविक शीतल है, शुद्ध बुद्ध है, लेकिन उस वह शीतल आत्मा में काम क्रोध की आग जल रही है। हमारे अंतः चेतना शीतल है ही, लेकिन आज हम पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं? काम क्रोध मोह विकारों की आग से। साहब कहते तुम अंधे हो, इसलिए तुम समझ में नहीं आ रहा, तुम जल रहे हो, दुखी हो रहे हो, पीड़ित भी हो रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर के विवेक विचार की आंख फूट चुकी है। तो मैं मूल प्रसंग में आऊं। साहब कहते हैं यागत भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट हुए। इस शरीर के अंदर अंतःकरण में ज्ञान की आग लगी हुई है, इसमें कोई बाहरी पहचान नहीं, बाहरी धुआं नहीं है कि देख करके पहचान लो कि किस साधक के अंतःकरण में कितनी आग है, कितना वैराग्य है। कौन जान सकता है कि आदमी वैरागी है कि रागी है? सहज हम संतों का वेश देखते हैं, साधुओं महात्माओं का वेश देखते हैं, और वेश देखकर हम जरूर कहते हैं कि महात्मा जी पधारिए, संत जी पधारिए, लेकिन उसके भीतर संतत्व कितना है हम कहां जान सकते हैं? जानने का कोई माध्यम ही नहीं है। किसके भीतर के विकार कितने जल गए, कितना किसका कितना मोह नष्ट हुआ, किसकी कितनी काम वासना नष्ट हुई, कितना लोभ नष्ट हुआ, कितना क्रोध नष्ट हुआ, कौन जान सकता है? जानने को कोई पहचान नहीं है। कोई ऐसा ना थर्मामीटर है, ना बैरामीटर है, ना कोई और मीटर है जिसे आप लगा करके जान सके कि हाँ ये आदमी इसका वैराग इतनी डिग्री पर पहुंचा हुआ है। दूसरे के वैराग को नापने वाले लोग खुद राग में डूबे रहते, तो पहचानोगे कैसे? किसी के वैराग को नापना यह हमारा अज्ञान है। हम अपने वैराग को देखें, अपने अंतःकरण को टटोले कि मेरे अंदर वैराग है या राग है। अपने अंतःकरण को तो जान नहीं पाते हैं, दूसरे के अंतःकरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो साहब कहते हैं कैसे जाने आपन भाई कैसी बीती हुई। ये भीतर में जो ज्ञान की आग लगी है, वैराग की आग लगी है, इस आग को वही जान सकता है जो साधक इस आग में जल रहा है, अभी जो इस स्थिति से गुजर रहा है वह जानेगा। या कैसी बीति हो जिस स्थिति से, वे संत जो इस साधना से गुजर चुके हैं वे थोड़ा अनुभव कर सकते हैं, वैसे वे भी पूरा पूरा अनुभव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने भीतर की बात को सही ढंग से वही जान सकता है। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होई। जड़ बिनु बेल, साहब कहते हैं बिना जड़ के एक लता फैली हुई है, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होई, और बिना बेल के तुमड़ी लगी हुई है और बिना फूल के फल लगा हुआ है। जड़ के बिना बेल कौन है और बिना बेल के फल लगना, वस्तुतः यह है मोक्ष रूपी फल। बाहरी फल के लिए पेड़ चाहिए, फूल चाहिए, और पेड़ है फूल है तो जड़ होगी होगी, लेकिन मोक्ष रूपी फल के लिए बाहरी ऐसा कोई पेड़ की आवश्यकता नहीं है जिसमें जड़ फूल फल और डाली शाखा पत्ते आदि की आवश्यकता हो। अर्थ है सांसारिक आधार के बिना ही ये मोक्ष फल फलेगा। जब तक संसार का आधार लिए रहेंगे, संसार का मोह बना रहेगा, संसार के प्रति राग बना रहेगा, तब तक जीवन में मोक्ष फल नहीं फल सकता। रहना तो होगा संसार में ही, संसार की वस्तुओं से गुजर बसर ही करना होगा, लेकिन सब तरफ से अपने मन को निर्मोह बनाना होगा, अनासक्त बनाना होगा। जब मन जड़रहित हो गया, जड़रहित अर्थात आसक्ति रहित, वासना रहित, मोह रहित हो गया, तब मोक्ष का फल फलेगा। इसी के लिए साहब कहते हैं कि जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिन फूले फल होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होई। कबीर साहब कहते हैं अंत में कि हे संतो सुनो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरण में जाना ही होगा, और गुरु की शरण में जाकर अपने अहंकार को गलाकर विनम्रता पूर्वक सेवा करनी होगी, तब ज्ञान मिलेगा। गुरु की शरण में तो गए लेकिन अहंकार को गलाए नहीं, अहंकार को मारे नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं मिल पाया।
आवश्यकता है अहंकार को मिटाकर विनम्र होने की। अहंकार मिटा तो ज्ञान अपने आप उदित हो जाएगा, अहंकार नहीं मिटता इसलिए ज्ञान उदित होता नहीं है। दोनों फांसे कैसे रहे होगा? आप लोगों ने, आप लोगों का अनुभव है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो जूता पहनकर नहीं जाते। यहाँ पास सत्संग भवन में तो जूता पहनकर नहीं, जूता को बाहर ही निकाल देते हैं गेट पर। मंदिर में जाते हैं आप तो जूते चप्पल को बाहर ही निकाल देते हैं गेट पर, नंगे पांव जाते हैं। लेकिन पैरों में पहरे हुए जूते को तो आपने निकाल दिया, मन में जो जूता पहन रखा है अहंकार जूता, उसे उसे कहां निकाला है आप? और जब तक ये मन में पहना हुआ अहंकार जूता नहीं निकलेगा तब तक पैर जूता निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता जूता पहने पहने आप भीतर जाए, एक बार जूता पहने पहने भीतर जाइए कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन अहंकार जूता को बाहर कर दीजिए, तब जीवन में क्रियार्थता आएगी, तब जीवन में ज्ञान मिलेगा। और बिना ज्ञान के कहा गया है रिते ज्ञान अन्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, बिना ज्ञान के बंधन कट नहीं सकता। तो आवश्यकता है मन में जो हमने अहंकार जूता पहन रखा है, जैसे वासना का जूता पहन रखा है, क्रोध लोभ का जूता पहन रखा है, इस जूता को उतार दें। और इस जूता को उतार कर गुरु की शरण में जाएं तो सच्चा ज्ञान उदय होगा, और ज्ञान उदय हो जाएगा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सतगुरु कबीर का एक पद, साहब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए, या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती हुई, सुखिया बैठे भजन करते हैं दुखिया दिन भर रोए, या घट भीतर अगिन जड़ तो है धुआं न प्रगट होए, जाने आपन भाई कैसे बीते हुए, जड़ बिनु बेल बेल बिनु तुम्बा बिनु फूले फल होए, कहे कभी सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न हो। इस पर मैंने कुछ निवेदन किया, अब अपनी वाणी के यहीं पर विराम देता हूं।